नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। कोरोना काल के दौरान देखा जा रहा है कि कई व्यापार पर बड़ा असर इसका दिखाई दिया है। ऐसे ही एक व्यापारी संघ जिला टेंट लाइट कैटर्स एसोसिएशन के सदस्य आज अपने संस्थानों की चाबियां लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द 200-300 लोगों की उपस्थिति में आयोजनों को शुरुआत करने की मांग करी। साथ ही साथ जल्द मांग नहीं माने जाने पर 7 दिन बाद धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। नीमच जिला टेंट लाइट कैटर्स एसोसिएशन आज अपने संस्थानों की चाबियां लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रशासन को संस्थानों की चाबियां सौंपते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की। हालांकि प्रशासन की टीम ने चाबियां नहीं ली, वहीं जिला टेंट लाइट कैटर्स एसोसिएशन का कहना है कि केंद्र व राज्य सरकार ने उनके व्यवसाय को अनदेखा करा हुआ है, जिसकी वजह से आज भूखे मरने की नौबत आ गई। पूरा व्यवसाय ठप पड़ा हुआ है। बिजली बिल, दुकान बिल सहित कर्मचारियों को वेतन देना भी अब मुसीबत बन गया है। इसीलिए अब उन्हें 200 से 300 लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम करने की अनुमति दी जाए, जिससे इनका गुजारा बसेरा चल सके। वहीं जिला टेंट लाइट कैटर्स एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि एक तरफ तो प्रशासन सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक आयोजनों की रैलियों सहित समारोह में 200 से 500 लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जहां इन प्रशासन इन देखकर भी अनदेखा कर रहा है। वर्तमान में हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें 200 से 300 लोगों की उपस्थिति में आयोजनों की अनुमति प्रदान की जाए, नहीं तो आगामी दिनों में मजबूरन भुखमरी से चलते 7 दिन बाद कलेक्टर कार्यालय में धरने प्रदर्शन करना पड़ेगा, जहां चाहे प्रशासन हमें जेल भेजे। कैटरिंग व्यवसाय ऐसा है जिसका कोई समाधान अभी तक नहीं किया और पूरी तरह केंद्र सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने इस काम को अनदेखा कर रखा है। हमारे व्यवसाय पूरी तरह ठप हो चुके हैं और हमारे जितने भी दुकानदार हैं वो अब खाने से भी मोहताज होने की कगार पे हैं। बिजली का बिल, गोदाम भाड़े, दुकान भाड़े, नौकरों की तनख्वाह ये सब दे दे के और परेशान हो चुके हैं। अब हमें 200-300 आदमी तक की भी अगर अनुमति मिलती है शादी ब्याह की तो हमारा गुजर बसर थोड़ा चल सकता है। और हमें ये देखने में आ रहा है कि जितने भी उपचुनाव की रैलियां हो रही है या शहर में कोई भी अगर राजनीतिक काम हो रहा है या कोई सामाजिक काम हो रहा है तो उसमें 2-2, 5-5 सौ आदमियों का जो है जमावड़ा हो रहा है। उन 2-2 सौ, 5-5 सौ आदमी के जमावड़े से कोरोना नहीं हो रहा है, पर शासन और प्रशासन ने जो है इस काम को बिल्कुल अनदेखा किया है। हम ये चाहते हैं कि कुछ उदारता रखी जाए, शासन प्रशासन हमारे साथ कुछ ऐसी उदारता रखे और सरकार को 200 से 300 आदमी की जो है हमें रिलीफ दे, जिससे हमारे सब व्यवसाय चले। अभी कल देवास में, हाट पिपलिया में, इंदौर में इतनी मतलब जो राजनीतिक इतनी भीड़ हो रही है, आज किस बात को लेकर ज्ञापन देना है? आज इसी बात को ज्ञापन दिया है कि भाई हमें 200-300 आदमी की अनुमति दी जाए और जो हमारी लोन की और इसकी किस्तें रुकी हुई है इसके लिए हमें वापस पुनः लोन दिया जाए, जो गरीब तबके के जो छोटे दुकानदार हैं उनका गुजर बसर चल जाए, इस वजह से दिया है। चाबियां हमने जो है सब दुकान की चाबियां, जितने भी व्यवसायी हैं, सारे व्यवसायियों की चाबियां हमने जो है ये इकट्ठी करी है और ये हम प्रशासन को इसलिए सौंप रहे थे, हालांकि प्रशासन ने ली नहीं है, ये भी एक तरह से सरकार की हठधर्मिता मानेंगे हम, क्योंकि हमारा व्यवसाय वैसे ही बंद है। और उसके बाद हम जब चाबी दे के आज हमारी अगर इन्होंने चाबियां नहीं ली है तो निश्चित तौर पे हम 7 दिन की अवधि में हम पूर्णतया अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे और उस दिन हम इस कलेक्टर परिसर में ही यहाँ आके बैठेंगे, चाहे उसमें सब पे कार्रवाई हो। जेल में वैसे ही बंद होना है, जेल में बंद करने के अलावा सरकार के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है इन व्यवसायियों के लिए। और ये व्यवसायी जब आत्महत्या करने जैसी कगार पे हैं और अगर उसके बाद इनको जेल हो जाएगी तो और आराम में हो जाएंगे।